भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। इस खबर के प्रायोजक हैं महाप्रधान पद के प्रत्याशी इंद्रेश चौहान जी। इंद्रेश चौहान जी जो अपने कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए, काम किया है, काम करेंगे, अपने क्षेत्र का विकास करेंगे और झूठा वादा नहीं करेंगे। कर्मठ व जुझारू प्रत्याशी इंद्रेश चौहान। रूट प्लान पर डीएम का निरीक्षण। 12 व 14 अप्रैल को महाकुंभ के होने वाले शाही स्नान को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। सीमाओं पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। बिना कोविड निगेटिव रिपोर्ट के उत्तराखंड में प्रवेश वर्जित किया गया है। डीएम व एसएसपी हरिद्वार सहित जिले के अधिकारियों ने नारसन सीमा का निरीक्षण किया व रूट डायवर्ट प्लान का भी जायजा लिया। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर क्षेत्र के फलोदा बाईपास से रूट डायवर्ट प्लान बनाया गया जिससे हरिद्वार नगर में यात्रियों की भीड़ ज्यादा न जा सके। यहाँ से काजी खानपुर वाया लक्सर से होते हुए श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे। जिलाधिकारी श्री रविशंकर ने बताया कि उत्तराखंड सरकार और मान्य उच्च न्याय निर्देशानुसार कोरोना वायरस पर काबू किया जाना भी जरूरी है। वहीं दूसरी ओर कुंभ मेले की व्यवस्था भी बनाकर रखनी है। माध्यम से एक एसओपी भी जारी किया है जिसको हमें पालन करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने भी आदेश किया है। तो वेरियस बॉर्डर्स में जो है जो रजिस्ट्रेशन का चेकिंग करने का टीम्स भी जो है तैनात किया गया है और वेरियस जो रूट्स है जैसे देहरादून जाने वालों के लिए जो है एक अलग डाइवर्शन प्लान रखा है, हरिद्वार जाने के लिए जो है अलग डाइवर्शन प्लान रखा है। इस प्रकार का जो है छोटे गाड़ियों के लिए अलग रूट रखा है, बड़े गाड़ियों के लिए अलग रूट रखा है। इस प्रकार का जो है वो मल्टीपल डाइवर्शन प्लान्स जो है ट्रैफिक प्लान में बना हुआ। अभी मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में भी जो है इस प्रकार का एक फलोदा जो जगह है फलोदा में यहाँ रखा है और दूसरा रामपुर तिराया में भी जो है वहाँ एक डाइवर्शन पॉइंट रखा है। तो मेला पुलिस के ओर से और जिला पुलिस के ओर से यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्सेस को तैनात किया है और सही ढंग से जो है एंटायर तैयारी किया जा रहा है ताकि जो है कल परसों जो 12 तारीख और 14 तारीख को जो मेजर शाही स्नान है उसमें जितने भी लोग यात्री आएंगे वो बहुत सुविधाजनक एक तरीके से जो है इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसीलिए जो है ये डाइवर्शन प्लान साइन बोर्ड्स और व्यवस्था ये सारा चीज़ किया जा रहा है। भारत सरकार का एसओपी और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश को पालन करने का आदेश है तो इसलिए जो है जो भी यहाँ आ रहे हैं विशेष स्नानों के समय पर वो जो है समुचित आज पहले आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट और एक सरकारी हॉस्पिटल का जो है एक मेडिकल सर्टिफिकेट ये लेकर के कुंभ मेला का जो पोर्टल है उसमें पंजीकरण करना पड़ेगा। तो पंजीकरण करने से जो है उनको एक आईडी मिलता है, वो जो पास लेकर के आते हैं उस पास वाले जितने भी लोग हैं उनको अलाउ कर रहे हैं। तो लोकल लोगों को जो है हम लोग अलाउ कर रहे हैं, उनको चेकिंग नहीं करते हैं और बाकी जो है इसमें कुछ लोग जो सिम्टोमेटिक भी होते हैं उनको बॉर्डर्स में सैम्पलिंग भी करते हैं